भूल कर भी घर के मंदिर में ना रखें ये चार चीजें, जाने इनके नुकसान। संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। मैं बजरंग बाबा। हर घर का मंदिर उस घर की सबसे पवित्र और खास जगहों में से एक होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मंदिर से ही निकलता है। घर का मंदिर ही उस जगह है जो कि घर के लोगों के लिए समृद्धि और खुशहाली के लिए द्वार खोलता है। लेकिन कई बार हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसी चीज़ों को मंदिर में रख देते हैं जिनका वहाँ होना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इन चीज़ों से भगवान नाराज हो सकते हैं, उसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। ऐसे में मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। मूर्तियों का रखें ध्यान। आपने बहुत से लोगों के घर में भगवान की एक से ज़्यादा मूर्तियों को मंदिर में रखे हुए देखा होगा, लेकिन धर्मशास्त्रों में इसे गलत माना गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान की एक से अधिक मूर्तियां घर में मंदिर में रखना शुभ नहीं होता। इसलिए आप जिन भगवान की पूजा आराधना करते हैं घर के मंदिर में उनकी एक से ज़्यादा मूर्तियां तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। रुद्र रूप की तस्वीर ना रखें। घर के मंदिर में भगवान भोलेनाथ की सौम्य मुद्रा वाली तस्वीर या मूर्ति रखनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में भगवान के रुद्र रूप की तस्वीर ना हो। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी तस्वीर में कोई भी देवी या देवता गुस्से में दिखाई दे रहे हैं तो वह घर में कलह की वजह बन सकता है। इसके अलावा भगवान हनुमान और भोलेनाथ की नटराज रूप वाली तस्वीरों को भी घर में नहीं रखना चाहिए। न रखें टूटी हुई मूर्तियां या तस्वीरें। यदि किसी के घर में टूटी हुई भगवान की मूर्ति रखी हुई है तो उसे तुरंत विसर्जन कर देना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि घर के मंदिर में या घर के अंदर भगवान की कोई भी टूटी या चटकी हुई मूर्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है टूटी या चटकी हुई मूर्तियां घर के लिए अशुभ होती हैं। टूटी हुई मूर्तियों की पूजा करने से नकारात्मक फल प्राप्त होता है। पूर्वजों की तस्वीर, वैसे तो घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीर रखना हिंदू धर्म में वर्जित है, लेकिन कई बार ऐसा देखने में आया है कि बहुत से लोग भगवान के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर भी रख देते हैं। ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है। पूर्वजों की तस्वीर को भगवान के मंदिर में रखने से घर की समृद्धि और खुशहाली में रुकावट आती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, आपके सामने उपस्थित होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री बालाजी।